नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् पचयन्ते पाप कर्म भेः। भगवान के प्रथम अध्याय की कथा, तो कथा प्रारंभ भई एकदा नैमिषारण्ये। नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान की कथा प्रारंभ है। और कथा क्यों है, कथा किस प्रकार से जगत के जीवों के क्लेशों का कष्टों का नाश करती है, ये भगवान के सत्यनारायण व्रत कथा के प्रथम अध्याय में बताया गया। हुआ ये कि जब नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके विचार कर रहे थे कि जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे और क्या कोई उपाय है। कि नो पाए न दुख नाशो भवे, चिंतन किया कि कैसे इनके दुखों का नाश हो पाएगा और जब कोई उपाय नहीं मिला तो हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी वेदना हुई। कहा गया जब संसार में हम आकर के दुखी हो, कभी बहुत कष्ट में हो, कभी हम अवसाद में पड़े हो, उस समय जाए कहाँ। कहते उस समय भैया केवल एक सहारा है, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। किस उपाय से इनके कष्टों का नाश होगा, कैसे सभी प्रसन्न हो पाएंगे। जब ये बात पूछी है तो सूर्य महाराज ने कहा कि भैया एक ही उपाय है, कलयुग में जो सरल है, लघु उपाय मतलब सुगम और सरल, कौन सा उपाय है बता। एक उपाय है, वो उपाय है भगवान सत्यनारायण की कथा। बोले कथा कैसे कष्टों को दूर करेगा और ये कथा के बारे में आपको कैसे पता चला, किसने बताया आपको इस बारे में बताया, हमको श्री नारद जी ने बताया। बोले नारद जी को कैसे पता चला, हमको ये पूरी कथा विस्तार पूर्वक बताई। तो उनको बताया कि भैया देखो एक बार नारद जी निकले हैं, क्यों कहा परोपकाराय पुण्याय एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया होने का एक साधन है, आप परहित करिए। प्रश्न ये आता है महाराज, परहित है क्या, क्या परहित मतलब क्या है, इस शब्द का भाव क्या है। परहित मतलब दूसरों का हित हो जाए। कैसे हित होगा, कई हित कई प्रकार के होगा। या तो आप अगर सामर्थ्यवान हैं तो आप शारीरिक सेवा कर सकते हो, शरीर से सेवा करो, ये भी हित है। माता जी का पैर दबा दिए, पिताजी का पैर दबा दिए, गुरु की सेवा कर दिए, या किसी भूखे को जाकर के खाना खिला दिए, शारीरिक सेवा, तो ये भी एक हित का साधन है। दूसरा क्या, आप कायिक कर सकते हो, वाचिक भी होगा। वाचिक का मतलब होता है कभी ऐसा बोलो कि लोगों को हृदय को बहुत आनंद मिले, ये भी हित की अनुभूति है। इसलिए सत्संग से बड़ा कोई साधन नहीं है। सत्संग में जाकर के कोई जीव कितना भी दुखी क्यों ना हो, उसे शांति की अनुभूति होती है, थोड़ा कम करके उसे शांति की अनुभूति होती है। इसलिए कहा सत्संग भी एकमात्र एक साधन है, सत्संग के माध्यम से जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और क्या बताएं, ये मानसिक भी हो सकता है। मानसिक का मतलब कहा भैया न शरीर से सेवा करेंगे और न मुंह से बढ़िया बोलेंगे, लेकिन मन से सोचेंगे भैया भगवान उसका भला करना, वो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है जीव, कैसे वो सुखी हो पाए, हे प्रभु उसका कल्याण करें, ये भी एक सेवा है। आप शारीरिक वाचिक और मानसिक सेवा करते हैं। बोले महाराज ठीक है, तो फिर पाप क्या है। तो बाबा कहते हैं पर निंदा समाघना
ऐसा पाप है, तब ये ऐसा पाप है जो बिना किए बहुत बड़े बहुत बड़ा कर्ज दे जाता है। जैसे कि हाँ, जो जिसकी निंदा कर रहा है ना, वो उस व्यक्ति का पाप ले रहा है अपनी वाणी के माध्यम से, और जो सुन रहा है वो उस व्यक्ति का पाप अपने माथे पे ले रहा है। हमने किया तो कुछ नहीं, केवल सुना, ये सबसे बड़ा पाप। इसलिए क्या कहा, माता जी कहती है भैया कि देखो, अगर कहीं पर निंदा होती हो, लोग महाराज ये हमारे लड़का बहुत हराम है, अब वो कर्म उसका परमात्मा जाने, लेकिन आपने सुना तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। किसी की निंदा ना सुनिए। यदि कोई निंदक मिल जाए, अरे महाराज बहुत निंदा करते, जब देखो तब चुगली करना, पर निंदक मिले तो करें क्या, उसको बोलो भैया देखो निंदा करनी तो हमारी करना, बाकी उनकी स्तुति किया करो, पर निंदा से सर पे कहा। जीवन में पाप बढ़ता, पाप का कारण है दुख, डिप्रेशन, चिंता, अवसाद, बिना कारण हम दुखी हो जाते हैं पर निंदा से। इसलिए हो सके कहा, पर निंदा सम अघन गरी, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो कभी किसी की निंदा न सुने, निंदा से बचने का प्रयास करें। कुछ लोग का स्वभाव है निंदा करने, तो निंदा करनी दे रखिए, पर किसके लिए निंदा, अपनी निंदा करो। हरि हर निंदा न सुनो, हरि की निंदा न सुनो, हर की निंदा, शिव की निंदा न सुनो, ब्राह्मण की निंदा न सुनो, साधु की, संतों की निंदा न सुनो। माता जी कहते भैया अगर कोई ऐसा मिले, कहते भैया अगर शक्ति बने उसका जीव काट देना, जो निंदा करे परमात्मा की, भगवान की निंदा करे, साधुओं की निंदा करे, और न बसो तो आप न तो कान मूंज न तो चली पर आए, कान मूंज के भाग जाइए, क्यों, पाप से बच जाओगे। बहुत बड़ा सूत्र है श्रद्धा का, क्या कि भैया जितना हो पुण्य कर्म करें और पाप से बचिए। कई बार जाने अनजाने में बहुत पाप लेकर के हम आते हैं, पुण्यार्जन तो हुआ नहीं, कमाई करने तो रोज निकलते हैं, पुण्यार्जन किए नहीं, महाराज पिता जो आया नहीं, पुण्य कर्म नहीं किए, लेकिन पाप यही हो गए, निंदा कर लिया, निंदा सुन लिए, जितना हो साधुओं की निंदा सुन ली, बहुत बड़ा अपराध है। तब इस प्रकार जो नारद जी क्या करते हैं, हमेशा परहित में लगे, पुण्य जब तक है तब तक जीवन में आनंद है, आनंद मतलब सुख है, और जब जीवन में पाप आने लगा तो उसका कारण दुख है। हमको लगता है कोई किसी को सुख देता है तो ये उपनिषद का वाक्य है, काहु न करो सुख दुख कर, लक्ष्मण भैया भी गीता में ये कहते हैं, लक्ष्मण गीता है, काहु न करो सुख दुख कर दाता, काहु न करो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमको लगता है कि कोई हमको दुखी करता है, महाराज के महाराज में लड़के से बहुत दुखी है, बेटवन से बहुत दुखी है, पतोह से दुखी है, संसार से बड़ा दुखी हूँ। तो ये लोग क्या है, ये बड़े मूढ़ जीव है, क्यों, उपनिषद स्वयं कहता है, लक्ष्मण भैया कहते हैं भैया कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है, निज कृत कर्म, आप जो कर्म कर रहे हो उसी का फल आपको मिल रहा है। तो ये केवल केवल और केवल हम ही दोषी हैं, हमारे साथ जो घटनाएं घट रही है। कई बार सोचते हैं महाराज बेटवा बड़ा सुख दे, बेटवा बड़ा सुख दे, कई लोग को देखो तीन तीन से पनपटे लड़के लेकिन बहुत परेशान है, जहाँ देखा अरे महाराज बेटवा तो बहुत परेशान है, एक दिन भेजवा, और कुछ लोग को महाराज खाली बिटिया है, और बिटिया ने कहा महाराज बस भगवान ऐसी बेटी सब कुछ, वृद्धावस्था की चिंता आती है, आज का युग इतना आगे बढ़ चुका है, बेटा बेटी में कोई भेद नहीं, बेटी अपने माँ बाप की खूब सेवा करती है। तो ये कब होगा, लेकिन जब आपके जीवन में पुण्य होगा ना, तो कोई भी आपकी सेवा करेगा, आपके जीवन में सुख होगा। जब पाप होगा, अपना खुद का बेटा आपकी सेवा नहीं करेगा, उससे आप दुखी रहोगे, या ऐसा विधान बनेगा कि आप उससे सेवा ले नहीं पाओगे। इसलिए हमको योग्य बनना है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी है। कमी हमारी है, दोष हमारा है, दूसरों को दोष देकर के क्या लाभ। इसलिए कहा, जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा, जैसा आप कर्म करोगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए यदि सुखी होना चाहते हो श्रेष्ठ कर्म करें, दुखी होना चाहते हो भैया निकृष्ट कर्म करें।
नारद जी जाकर के इसी सूत्रों का प्रचार करते हैं कथाओं के माध्यम से, भैया पाप मत करो और पुण्य करो। धरा भी जब सबको दुखी देखा, सब दुखी, हमको लगता है महाराज कि नहीं यही दुखी है या हम ही दुखी हैं। जब आप उनके घर में जाकर के झांकोगे ना तो पता चलेगा सब दुखी है। कौन कौन कहते, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है कोई मन से दुखी है, कोई धन भी न रहत उदा, लगता कभी धन नहीं था पर धन आ गया, धन कोई धन के कारण दुखी है, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, पर सुखी राम का दास, सुखी केवल और केवल भगवान का दास। इसलिए प्रयास भगवान से जुड़िए, संसार में जितना दूर हो जाए उतना आनंद है। संसार केवल दुख ही बांटता है, क्यों? क्योंकि दुखी है, इसलिए कहा गया जीवन में सुखी होना है। जितना जल्दी हो सके गृहस्थ का कार्य संपन्न करने के बाद एकांत में कोना पकड़िए और भगवान का भजन करिए, और जितना हो सके तो प्रयास करिए क्या, प्रथम भगते सन तन कर संतों का संग, साधुओं का संग, ब्राह्मणों का संग। क्यों संग? इसलिए ना कि निंदा सुनने के लिए, इसलिए कि भैया उनको जब मिलो तो कहो महाराज ने कथा सुनावा, महाराज जी क्या है, हमेशा हरी चर्चा करिए, हमेशा सत्संग करिए। ऐसा नहीं सबके मन में सुमति कुमति सबके उड़ रहा है, कोई यहाँ पर विशुद्ध होकर के नहीं आया। अगर कोई पूरी तरह शुद्ध होता तो यहाँ आता ही फिर भगवान के चरणों में होता। सबके मन में सुमति कुमति है, लेकिन कहाँ, जहाँ सुमति होता है संपत्ति नाना, वहाँ सभी प्रकार की संपत्ति बिना बुलाए आ जाते हैं। तो यही जब नारद जी ने जब सबको दुखी देखा तुरंत भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना किया है, प्रभु सभी के कष्टों के निराकरण का उपाय बता दिया। भगवान ने बताया कि एक ही उपाय है नारद, वह सत्य नारायण व्रत किया जाए। ये व्रत कैसे किया जाएगा, बाकी व्रत तो बड़े दुर्लभ हैं, बहुत कठिन है, लंबे हैं, बहुत सारा धन खर्च होगा, बहुत सारा समय खर्च होगा, लेकिन ये लघु उपाय है केवल सत्यनारायण भगवान का व्रत, उनकी कथा। बोलिए सत्यनारायण है कौन? तो भगवान ने बताया, देखो भैया मैं ही भक्तों के कल्याण के लिए सच्चे नारायण बनता हूँ, मैं ही जगत का कल्याण करता हूँ। ममै वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, कहते जितने जीव है ना ये नारद तो मेरे ही अंश हैं, मेरे ही पुत्र हैं, मेरे ही संतान है। हम हमारा परिचय क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश होने के बाद भी यदि हम दुखी हैं तो दुखी होने का मात्र कारण यही है कि हम भगवान से बहुत दूर हैं, हम भक्ति से बहुत दूर हैं। भक्ति भक्ति के नाम पे आडंबर तो है, भक्ति के नाम पे वास्तव में हम भगवान के नहीं बन पाए। अगर कुछ ना आता हो तो क्या करिए, हाँ महाराज अगर कुछ ना आता हो ना तो भी भगवान मिल जाता, भगवान को चाहिए क्या। कहते हैं भैया नवम सरल सब विधि छल दीना, जब कोई सरल है और हर प्रकार के प्रबंध को छल को छोड़ करके जीवन यापन कर रहा है, महाराज उसके जीवन में भगवान स्वयं सब कुछ प्रदान कर देते हैं, भगवान स्वयं उनको दर्शन देते हैं। इस प्रकार की बात जो नारद जी ने सुनी है, नारद जी ने पूछा प्रभु इसका फल क्या है, विधान क्या है, तो बताया कि भैया जो चाहोगे वो मिल जाएगा, यही इसका फल। विधान विधान बताया, भाव से सेवा करिए, भाव से कथा सुनिए, विधान है। और किसने किया था शेष चार अध्याय में बताऊंगा किसने व्रत को किया। और चौथा प्रश्न है, कदा कार्यो व्रतम प्रभु, हे प्रभु व्रत को करने का मुहूर्त क्या, कहा भैया देखो जब याद आ जाए, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ, जब याद आए तब भगवान की सेवा करिए। और तब क्या करिए, अपने सुख दुख को, सब सुखी है दुखी है, पर अगर हम संसार को बताएंगे, जो समझदार व्यक्ति है वो घर की बात को बाहर नहीं बताता, जो घर की बात बाहर बताए महामूढ़ है, महामूर्ख है। क्यों कहा होगा यही कि आपके घर की निंदा बाहर वाले रोते रोते सुनेंगे जरूर, लेकिन जाकर के बाहर हंसते हंसते बताएंगे, तो अपनी निंदा का कभी नहीं करनी चाहिए। तो क्या करिए, अपने सुख दुख को बताना हो कभी हृदय बहुत भारी हो जाए तब भगवान के पास जाइए। और क्या करिए, अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ, जब याद
याद आए, तब भगवान की सेवा कथा करिए तथा सुनने के बाद प्रसाद का वितरण ब्राह्मण को धन देकर के संतुष्ट करिए, आशीर्वाद प्राप्त करिए और परमात्मा से प्रार्थना करिए, हे प्रभु जन्म जन्मांतर तक एक ही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करना है कथा सुन के, देना सभी लोग आइए, देना हो तो दीजिए। हे भगवान अगर आप देना भी चाहते हो, हम आपसे संसार की धन दौलत नहीं मांग रहे, हम संसार की सुविधा नहीं मांग रहे, अगर देना है तो क्या दीजिए, देना हो तो दीजिए। संसार का नियम सबके साथ एक जैसा है, क्या जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ब्राह्मण देवता भी दुखी है, इसका कारण मात्र इतना था कि ब्राह्मण देवता का कर्म ही ऐसा था। और बता क्या सब ये जाकर के यहाँ वहां भिक्षा मांगे, घर घर जाकर के भिक्षा मांगे, और ब्राह्मण देवता घर घर जाकर के भिक्षा मांगते जब उनको कष्ट में देखा था। हमेशा भगवान का ही सहारा, भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु कृपा करिए और हमारे दुखों को नष्ट करने का प्रयास करिए, भगवान से प्रार्थना किए और लिख के भगवान को बुलाते, मेरा श्री वैष्णव परिवार जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान
करते रहो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। जब आप अपना काम करने में भी नाम जप रहे हो तो एक बात भी याद आएगी भगवान को, तब कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। ये काम करेंगे संसार में रहने से अच्छा संसार का जो काम कर रहे हो तन को संसार में लगाइए और मन को भगवान के लाभ लगाइए, बेड़ा पार मारे, भगवान का नाम हमेशा जपते रहिए, तब जाकर के कृपा हुआ। देखिए सुना ब्राह्मण बोलता बड़े प्रसन्न है, उपाय पूछा बोला सत्यनारायण भगवान का व्रत करिए, रात भर नींद रही है। क्यों बताया भैया, जहाँ खाने को नहीं मिलता था वहाँ ब्राह्मण देव ने बताया कि बढ़िया काना काना कर गुजराती भजन है, काना ने माखन भावे रे, काना ने मिश्री भावे रे, काना ने माखन भावे रे, काना ने मिश्री भावे रे, काना ने माखन भावे। फिर माखन ला के देना भगवान को, भोग लगा बढ़िया भगवान, जो आपका सामर्थ्य घी भगवान को लगेगा अपना हवन इत्यादि। रात भर सोची कि भैया कहाँ से लाऊंगा, हे भगवान आज तक तो अपने लिए मांगा कि लेकिन भूख आम किया जा, तब तो किसी ने दिया नहीं, अब कैसे देंगे, तो है ना मैं कहते हैं बहुत चिंता में रहे। सवेरे उठे तो तुरंत भगवान का ध्यान किया, स्नान ध्यान इत्यादि किया और फिर निकल पड़े भगवान के नाम को जपते जपते, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद। तो मन में भगवान का नाम था तो भगवान कैसी कृपा भाई, भैया रास्ते में गए किसी ने पूछा क्या महाराज कहाँ जा रहे हो भगवान का नाम जपते जपते, कह भैया भगवान की कथा करने जा रहे हैं। बोले अच्छा कथा क्या है, कथा क्या है, बताया भैया देखो भगवान का पूजन होगा, हवन होगा, अभिषेक इत्यादि होगा। जब इस बारे में इनको बताया बोले अच्छा क्या लगेगा, बताया भैया जिसका दूध दही लगेगा घी लगेगा भगवान की सेवा के लिए। जब ये बात उनको बताई है तब जाकर के जो ग्वाला था उसने दूध प्रदान किया, दही दिया, घी प्रदान किया। जो भैया वणिक समाज थे बनिया तो उन्होंने चावल गेहूँ इत्यादि दे दिया, ऐसे जो माली थे उन्होंने हार फूल दे दिया, सारी सामग्री मिल गई भगवान के आशीर्वाद। आए हैं और भगवान की पूजा करी और रोने लगे कि हे प्रभु आज तक मैं मेरे लिए मांगता था किसी ने सब कुछ नहीं दिया, आज आपकी कृपा हो गई सब कुछ प्राप्त हो। और कहा जब एक बार व्रत किया कथा करी जो गांव के लोग आमंत्रित किया था उनको सभी लोग आकर के कथा, उसने कहा महाराज हमारे घर कथा हुई कहे ना हुई सबके घर हुई, भगवान का पूजा तो हो चाहिए। तो कहा महाराज ठीक है तो आप हमारे यहाँ भी भगवान का पूजन करिए, और सबने उनको अपने घर आमंत्रित किया। अब वर्ष भर केवल भगवान की कथा में ही नहीं रहने लगे, भिक्षा मांगने के वृत्ति बंद, अब वृत्ति बदल गए, क्या बदल गए, अब भगवान की कथा भगवान की सेवा। तो उसका फल क्या मिला, महाराज हर युग में प्राप्त होता है, जहाँ कुटिया छोटी थी वहाँ किसी ने भूमि दान दिया, किसी ने गौ दान दिया, सारी सुविधा सारा संसाधन समाज में प्रदान सब मिल गया, बड़ा आश्रम बना। कुछ अब खुद तो नहीं पढ़े थे तो फिर भी ब्राह्मणों को बुलाया, पढ़े लिखों को उनको भैया व्यवसाय दिया है। ठीक है महाराज अभी जैसे भैया कहते हैं जितना छपरी उतने का उतने का तो 10 के गणपति बिठाए थे, पर जब 70 गणपति लेने आई तो 60 के रोजगार मिले, इसलिए जैसे बड़ा पुण्य क्यों है, बेरोजगार को रोजगार मेरे माध्यम से लोगों को दो रोटी प्राप्त हो ये मेरे लिए पुण्य कर्म है, तो इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ अगर आपको प्राप्त करना है तो खोना तो पड़ेगा, सब ऐसे ना मिल जाए। अगर हम सोचेंगे बैठे बैठे मिल जाए, जो जो बहुत आराम तलब होता है ना जीवन में कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, तन से मन से धन से, तब जाकर कुछ आप नया कर्म कर पाओगे, कुछ विशेष हो पाएगा।
तो यहाँ पर यही है। आज जो अकेला अपने लिए अपने परिवार के लिए भिक्षा नहीं जुटा पाता था, वो 50 लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ये कब होगा? जब भगवान की कृपा। सबको बुलाया, भैया हमारे यहाँ बटुक आएंगे, उनको पढ़ाइए, आपकी कोई व्यवस्था हम देखें, रहना खाना का हमारी व्यवस्था, ब्राह्मण देवता यही रही, बच्चों को पढ़ाइए, वेद वेद का विस्तार हो, शास्त्रों का विस्तार हो। और यहाँ पे क्या, गौ माता की सेवा के लिए जो जो गाय छोड़ दी गई थी, गायों को बांध करके गौशाला बना, भैया गौ माता की सेवा करिए, इसलिए जो इसका दूध बच्चे पियेंगे, पूरी व्यवस्था आश्रम में पूरी व्यवस्था देखी। और अब खुद क्या करते, जब देखिए अब ये है व्यवस्था, जब सब कुछ होने लग गया तो अपन छोड़ के सारा काम और केवल भगवान के पास बैठे। क्यों? अब चिंता नहीं है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे नाम के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। चिंता ना करिए, आपके भाग्य में जो होगा परमात्मा प्रदान करेंगे, लेकिन कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करने के लिए परमात्मा ने सबको स्वतंत्र किया है। आज ये स्थिति का उनका मित्र मित्रता अच्छे लोगों के साथ करिए, समय बिताना है, समय तो बीते जा रहा है, एक भी धीरे धीरे आएगा जब रे बुलावा हरी का, उस दिन बुलावा आ जाएगा। और छोड़ के जो हम सोच रहे हैं, बड़े बड़े अरमान हैं, बड़े बड़े सपने, ही कहले वो कहले पैसे हुए, आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा। फिर जाएगा क्या? जब बुलाना बुलावा तो आएगा, जाना पड़ेगा, पर हमारे साथ क्या जाएगा, क्या कमाई करें हम? कहते सुमिरन हरि की सांची कमाई, और जगत की झूठी सगाई। हरि स्मरण ही सच्ची कमाई है, जितना नाम जप कर लिया, जितना भजन कर लिया, जितना पूजन कर लिया, ये साथ जाएगा, बाकी सब यहीं का यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। चिंता न करिए, फिर क्या करिए, कर्म करके जितना हो सके उस कमाई की ओर भी फोकस रखिए। ये कमाई कैसे करें, संसार में तो भगवान ने बहुत कुछ लिया, उस कमाई के बारे में जब चिंतन करेंगे तब जाकर के जीवन में आनंद होगा, तब जाकर के जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। इनका मित्र लकड़हारा गांव में आया, पूछा तो लोगों ने बताया देखो वही ब्राह्मण देवता है, अंदर प्रवेश किया, देखा ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन कर रहे थे, पूरी कथा सुने, पूछा कि हे मित्र कहाँ से प्राप्त हो गया, आपसे भिक्षा मांगते थे, कौन दिया? भैया देखो कोई किसी को देता वाता नहीं, संसार की जीव इतने स्वार्थी है, बिना मतलब के कोई किसी को नहीं बनेगा। क्यों? कासुर नरमानी सब की यही प्रीत है। हमको लगता है महाराज अपना ही देश है, कोई किसी को नहीं पूछता, स्वार्थ लाज कराही सब प्रेम। जब स्वार्थ है तब तो प्रेम है, स्वार्थ समाप्त हुआ तो तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते, ये संसार है। इसलिए क्या कहा उसको, पूछा कि भैया देने वाले तो भगवान है, उनको पकड़ लो, फिर देखो कैसे देते हैं, आप विचार नहीं कर पाओगे, लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे किया, ये संभव नहीं है, वो बड़े बड़े कार्य परमात्मा संभव करते हैं। और किसी के जीवन का और मैं बताऊँ, स्वयं का जीवन जब देखो विश्वास नहीं होता कि भगवान करने वाले हैं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। उनके पहले कौन पूछता था, जब उनकी कृपा हो तो भैया सब पूछने लगे, कैसे होगा भगवान की कृपा। इसलिए अपना एकांत दृढ़ बनाना पड़ेगा, समाज का जीवन तो छोड़िए, एकांत जब दृढ़ होगा, एकांत में भजन होगा, एकांत में भक्ति होगी, वो पुण्य जब संचित होगा तब जाकर के आपका जीवन बदल जाएगा। उनको बात बताई और लकड़हारा लकड़ी को बेचा, दुगना मूल्य मिला, ब्राह्मण देवता को मिला करके कथा सुनी, तब से जब जब समय मिलता कथा करते, इसके फलस्वरूप बिहार है आनंद में रहे, शरीर थोड़ा तो भगवान के धाम को रहे। जय जय श्री स्कंद पुराण देवाखंड सत्यनारायण व्रतधाया प्रतिभोत्सव प्रेम देवले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, सत्यनारायणाय नमो नमः। अथ तृतीयोऽध्याय तीसरे अध्याय की कथा है। ओम।
श्री महामते। तीसरे अध्याय की कथा, एक राजा की कथा। ये कथा, इस कथा में सब है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहने का अभिप्राय है। ये कथा सबके लिए है, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए, सब सुनिए कथा। कथा सुनेगा क्या होगा, जीवन बदल जाएगा। इसलिए जितना प्रयास हो सके, ये कथा इसीलिए है कि हम अपने आप को बदलें, हम इसको समझ करके जीवन में उतारे। देखिए कई बार ऐसा है, लोग कहते हैं महाराज एक कल हमको परसों एक मित्र मिले, अरे महाराज ये जो पंडित जी लोगों की बात पूछते हैं बुरा मत मानना। बोले हम क्या मानेंगे बुरा, बताओ भैया। बोले ये पंडित जी लोग कहते हैं परेशानी होगा, लक्ष्मी जी की सेवा करो, लक्ष्मी जी आ जाएगा। बोले तो खुद कहे ना बुला लेते लक्ष्मी जी, घर घर दौड़ रहे हैं, खुद कहे लक्ष्मी। बात भी बड़ी लॉजिकल थी, इसमें बुरा क्या है। बोला भैया देखो ये सत्य है, लक्ष्मी जी पंडित जी बुलाते हैं और उनके पास आए। बोले पूछ रहे हैं हमको, पूछो हमारे पास दिया है माता जी ने, बहुत पूछ दिया। क्यों, 30 साल की उम्र में बहुत दे दिया। कब होगा ये, कहाँ, जब आप साधना करोगे तब प्राप्त होगा, आप नहीं करोगे तो। अब जो नहीं करता वो घर घर दौड़ रहा, वो परेशान है। और जो साधना करता है, जो सब जो जो भगवान की सेवा में जुटा है, उसको चिंता नहीं है कि सारी चिंता भगवान करता है। भगवान ही सब करते हैं, वो केवल भाव से तब यही पुकारता है क्या, मेरा आपकी कृपा से। भगत और हमेशा यही पुकारेगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, पतवार के किनारे मेरी नाव चल रही है, पतवार के किनारे मेरी नाव चल रही है, पतवार के किनारे मेरी नाव चल रही है। भगवान करते हैं, कुछ नहीं करना, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम है, नाम होने लगता भी है। क्यों, जब भगवान को कृपा, जब भगवान की कृपा सब्जी से एक दंपत्ति थी, राजा और रानी, खूब वैद्य लोग के पास दौड़े, महाराज संतान नहीं हो रहा है, कोई उपाय बताओ, उपाय बताओ, कुछ नहीं हुआ। जब सब करके था थक गए, सकल अकर्म अकारी थके गोसाई, तब जाकर के बैठे कहाँ, भगवान में। कहा भैया हे प्रभु केवल आपका सहारा है, हे ईश्वर केवल आप पे विश्वास है, अब कृपा करिए। अरे भगवान के सामने बैठे, वहाँ पर नदी के किनारे भगवान का व्रत कर रहे थे, भगवान की कथा कर रहे थे, साधु नाम का बनिया पहुँचा, पूछा कि किमर खाओ कुरुषे राजा, इतने भाव से कर क्या रहे, कहा भैया संतान प्राप्ति के लिए भगवान का बोला है, कहा माफी संतति, मेरी भी ऐसी ही कंडीशन है, हमारी भी ऐसी स्थिति है भैया, हमको बताइए राजा क्या करें। बोले बस तुम भी वही करो जो हम कर रहे हैं, और कोई दूसरा सहारा है भी नहीं। बोले ठीक है, और घर पे गए, उनकी पत्नी लीलावती को बताया, देवी भगवान है सत्यनारायण, उनका व्रत इतना पुण्य प्रदायक है कि जो चाहो वो सब प्राप्त हो जाएगा। जब ये उनको बताया, कहा कि बहुत प्रसन्न भाई, बहुत आनंदित भाई, उनको प्रणाम किया है और क्या कहा, तो हे देवी ऐसी कृपा होगी कि जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगी। और कहा जब ये सुना, मन में देवी को विश्वास हुआ, लीलावती ने कहा कि हे स्वामी शीघ्र व्रत को करिए। लेकिन बनिया ने सोचा कि भैया चलिए बहुत सारा धन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम बैलेंस खराब करें, अब बैंक बैलेंस बना हुआ तो बना रहेगा। तो क्या प्रार्थना किया, भगवान अब मैं आपको जानता तो हूँ नहीं, बस सुना है आपके बारे में, जो सुना है तो सुनता हूँ कि आप सब कर्म करते हो, सब पे कृपा करते हो, तो अगर आपका सामर्थ्य है मुझे, क्योंकि सबने कह दिया कि संतान नहीं होगा, ऐसी स्थिति थी, सबने कह दिया कि संतान नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं थी, हम खर्च भी नहीं करेंगे, पूजा भी नहीं करेंगे, जब सबने कह ही दिया शायद पैसा खराब कर बनी आदमी था, पैसा जब रहेगा तो और कुछ कर्म कर लेंगे। लेकिन अगर आप में सामर्थ्य है परमात्मा, तो हमें संतान प्रदान करिए, मनोती मान मान, और भगवान के प्रति मनोती मान करके और प्रसन्न होकर के प्रणाम किया है भगवान को। और उसके बाद अब मनोती मान करके चला गया व्यापार करने, माँ जपने लगी भगवान का नाम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
का ये प्रभाव है कि तो भैया भगवान का नाम कैसे भी जपो, जैसे जपिए भाव को भाव अलग अलग नाम जप जैसे काट खेत में जब बीज बोते हैं ना, देखते नहीं कि सीधे सीधा पड़ रहा है, फेंक दिए बस उल्टा पुल्टा जैसे पड़ेगा वो अंकुरित होगा, ऐसे ही तो जब हम भगवान का नाम जैसे भी जप रहे हैं नाम अपना काम करता है। ये नाम को जपने लगे दस माफी भाई ससिया, इनके घर में भी बिटिया रानी आई है ना, माता जी आई है, कौन माता लक्ष्मी साक्षात भगवती जगन्नाथ स्वरूपा, इनके घर में कन्या आई है, बहुत प्रसन्न भाई, दिन बदल गया, खूब धन सारा धन समाप्त खर्च किया है, मतलब बहुत सारा धन खर्च किया, तो देवी ने कहा कि हे स्वामी अब तो भगवान ने हमको प्रदान किया, अब कथा करिए, कहा कि मेरी सब समाप्त हो जाए, पहले बताना चाहिए तो भुला गए थे, बोले भुला गए थे तब भगवान का आपको कहेंगे कि हम उनका काम कर दिए तो भुला गए, ऐसे चलेगा, बोले ना 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 तब क्या करें, अब बोले भगवान के सामने बोलो जो बोला है, यही सामने बोलो तब जाना कहीं, बोले भगवान क्षमा करना भूल गए थे आपका, तब बेटियाँ बड़ी हुई है ना तब विवाह करेंगे और तब जो कथा करेंगे आप याद करेंगे, आप भी कहोगे कोई भगत था इतने प्रेम से कथा पूजा करता है, और भगवान के सामने मनुति मान कर चला गया व्यापार करता, समय बीतने लगा, समय बीतते देर नहीं लगी, जब पुनः जब व्यापार करके वापस आया है धीरे धीरे समय बीता, बेटी अब विवाह के योग्य जब देखी, जब दिखी है कि भैया बेटी विवाह योग्य होगी, तो दूतों को कहा कि भैया जब कोई बढ़िया लड़का देखी तो बताना, इसके विवाह के लिए लड़का संस्कारी होना चाहिए, बाकी संपत्ति हमको नहीं चाहिए, क्यों का पूत कपूत तो का धन संचय, कपूत सपूत तो का धन संचय, सपूत है तो भी धन संचय की क्या आवश्यकता, और कपूत है तो भी क्या आवश्यकता, सपूत खुद बना लेगा और कपूत सब बनाया हुआ बिगड़ देगा, हमेशा बिगाड़ देगा, इसलिए क्या करना चाहिए, संचय की चिंता ना करें, केवल अपना कर्म करते चले। तो यहाँ पर जब भाव हृदय में आया है, भाव से भगवान को प्रार्थना किया है, भाव से भगवान को प्रणाम किया है और भगवान से प्रार्थना करके प्रभु ऐसी कृपा करिए, ऐसी कृपा करी भगवान मेरा मन डोले, बार बार भगवान से प्रार्थना करें, और देखा समय आ गया, शुभ घड़ी आ गई और बढ़िया लड़का देखा, कांचनापन नगर में बिटिया का धूमधाम से विवाह कर दिया, दुर्भाग्यवश भगवान को कथा भूल गए, पूजा नहीं करी, इससे दुख मिला, क्या हुआ व्यापार करने दामाद को ले गए कि चलो भैया जो मेरा व्यापार है तुम्हें दिखा देता हूँ, आपने व्यापार किया करो, और दामाद को समझा कर व्यापार के लिए ले गया, तो कहते हैं भगवान की ऐसी माया कि दोनों चोरी में पकड़े गए, दोनों जब चोरी में पकड़े गए और यहाँ पे क्या थे माता बेटी भिक्षा मांगती घर घर जाकर, और घर घर जाकर के भिक्षा मांगती, एक बार बेटी भिक्षा मांगते मांगते भगवान के पास पहुँची, कहाँ मंदिर में भगवान के पास पहुँचे और जाकर के देखा कि भगवान की कथा हो रही थी, बैठ कर पूरी कथा सुन ली, और कथा सुनने के बाद कुछ देर रात होने पर भाई माँ को पूछा कि माँ ये भगवान की कथा सुनी हमने, सत्यनारायण भगवान की कथा, वो सब हमारे दुखों को दूर करेंगे भगवान, ये कब होगा, तो कहा जब हम भगवान की शरणों में जाएंगे, भगवान की कथा करेंगे, पूजा करेंगे, माँ ने संकल्प किया है आज हम अंतिम दिन भिक्षा मांगी थी, जैसे दोनों ने भिक्षा मांगा और सवेरे भगवान की दिव्य कथा करी थी, रोने लगे ये ब्रह्म मेरे ससुर की मेरे दामाद की कोई चिंता नहीं, कोई खबर नहीं मिले कब आएंगे वो लोग, मुझे आप सूचित करिए, कृपा करिए प्रभु, घर में बहुत विषम स्थिति आन पड़ी, भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु कृपा करिए, भगवान ने वहाँ के राजा को सब कुछ दिखाया कि राजा ये दोनों जो बड़े कुंभ में जो जिनको कैद किया है ना, ये लोग दोषी नहीं है, ये लोग निर्दोष है, मुक्त कर दो, राजा ने सुना, दोनों को सम्मान पूर्वक विदा किया, राजा की जय जयकार करते हुए इन लोगों ने नगर के ओर प्रस्थान किया, जय जय श्री संत पुराणे विवाखंडे सत्यनारायण वृद्धाया तृतीय It's ready. Waiting for device connecting. Yeah.
चतुर्थोध्याय खड़ा हो जाए थोड़ा आराम से बैठे चतुर्थोध्याय यात्रा मंगलायन पूर्विका ब्राह्मणेभ्यो धनंदत्वा तदा तु नगरम व्ययो क्रियन्तुर्गते साधो सत्यनारायण व्रतो जिज्ञासां कृत्वा साधो किमस्ति तवनोस्थितम् किमस्ति तवनोस्थितम् चौथे अध्याय की कथा यात्रा के लिए निकले यात्रा सुकृतवान साधु यात्रा के लिए निकले और कहा बहुत सब मंदिर में गए ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट किया और वहां से जब आगे बैठे नौका में बैठे नौका लेने के लिए नौका चलाने के लिए जैसे अग्रसर हुए कहा एक साधु दिखाई पड़ा सन्यासी दंडी सन्यासी दिखाई पड़ा कौन थे कहा साक्षात भगवान आए थे आज इनकी परीक्षा लेने के लिए पुनः भगवान बार बार भक्तों की परीक्षा लेते हैं क्यों कहा भैया ऐसे ही भक्तों को परमात्मा स्वीकार नहीं करते तो यहाँ पे भगवान ने फिर परीक्षा ली है कैसे परीक्षा ली कहा सन्यासी का रूप लिया पूछा बेटे कहाँ से आया कहाँ जा रहे तेरी नौका में क्या है कहा कि लता धनिया पत्ता मसाला ये सब भरा पड़ा है बोला भैया भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते वच तेरी बात सत्य हो जाए राजा ने इसलिए जवाब प्रदान किए थे और झूठ बोला जब ऐसा भगवान ने कहा है सब धनिया पत्ता मसाला हो गया नाव हल्की हो गई जल में उतराने लगी दामाद को बोला देखो बेटे समस्या क्या है दामाद ने कहा कि पिताजी एक समस्या यही है लगता है ये सब मसाला तेज पत्ता हो गया बोले तब तब क्या करें मूर्छित होकर गिर पड़ा दामाद ने उठाया है और उठने के बाद जैसे ही जगे हैं उनको जगाया और कहा कि देखो जिसने बिगाड़ा वही बनाएगा भगवान की शरण में जाइए और तुरंत वहां से दौड़ करके गए हैं और भगवान के सामने जाकर के रोने लगे ओ तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मा के बाद जैसे ही सुना कि सेठ जी आ गए हैं मान बोला कि बस हमारी पूजा पूरी हुई है क्या अरे बेटे आगे पति देख बेटे को कहा कि बेटी तू पूजा कर मैं तेरे पति को ले आ गया यहाँ बेटी का मन भी नहीं लगता पूजा अधूरा छोड़ करके प्रसाद का तिरस्कार करके पति के दर्शन के लिए गई कहते किसी ने कहा कि भैया अरे ठीक तो नहीं रहता दामाद कहा है वो कहा भैया लगता है जल में डूब गया इतना सुना कि रोने लगी और रोने लगी बार बार जब रोने लगी गिड़गड़ाने लगी तो आकाशवाणी हुई यही साधो तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है घर जाएगी तो प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी पुनः दौड़ करके आई है प्रसाद को स्वीकार किया पुनः जब पहुंची है देखा पति देवता नौका को संभाल करके आ रहे थे सबने भगवान की जय जयकार करी है सत्यनारायण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय और बैठ के प्रेम से वही भगवान का पूजन किया तब से समय निकालने लगे कहा जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से एक क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम कथा इसीलिए है कि भगवान से प्रेम हो जाता है भगवान से प्रेम हो गया तब सारा काम कहा भगवान मिलते कि किसे नहीं मिलते कहते भैया भगवान उसे नहीं मिलते जिसके हृदय जिसका मन निर्मल नहीं है जिसके मन में कपट भरा है
कदब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया ओ जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया ओ क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया क्यों ना मिले कन्हैया ओ जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया प्रेम सच्चा है तो भगवान मिलते हैं कैसे मिले कहते वन में बैठी शबरी माई वन में बैठी शबरी माई राम नाम से लगन लगाए राम नाम से लगन लगा दिए दर्शन और दिए दर्शन और दिए दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया जब प्रेम सच्चा होगा परमात्मा का दर्शन होता है उन्होंने भी जब तक यहाँ आनंद किया और जो शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए जय जय श्री कृष्ण पुराण देवाखंड सत्यनारायण व्रतधाया चतुर्थोध्याय प्रेम के वृंदावन बिहारी लाल की नारायण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए तो पांचवें अध्याय की छोटी कथा हम लोग तैयारी करिए मंटू भैया। हाँ अब पांचवें अध्याय की बहुत छोटी है सूक्ष्म कथा है अक्षर सुन लीजिए कथा सुन लीजिए। पांचवें अध्याय की कथा ये है कि भैया एक है ब्राह्मण और एक है क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण भगवान ने बनाया चार वर्ण मया श्रद्धा गुण कर एक राजा और है इनका नाम है तुंगध्वज। ये कहते भैया भगवान की सेवा नहीं करते भगवान को मानते ही नहीं ना भगवान को मानते ना ब्राह्मणों को मानते ना कथा मानते ना प्रसाद मानते। हुआ ये एक बार एक दास वनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु एक बार वन में गए हैं बहुत सारे पशुओं को वध किया है वध करने के बाद आगत्य वटमूलम भगत के बैठ नीचे बैठे और दृष्टवा तद्दृश्य पूजन देखा सत्यनारायण भगवान का पूजन अच्छा पूजन देखा राजा दृष्टवा दर्पेण न गतो न नाम दर्प इतना अभिमान इतना गए नहीं। और देखिए पहली बात तो ये कि कहीं पूजन हो तो जाना चाहिए कहीं व्रत हो यज्ञ हो जाना चाहिए समय ना मिले तो क्या करें क्या प्रणाम कर लीजिए इतने में हो जाए तो ना गतो ना 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 गए भी नहीं नमन नमन भी नहीं किया अग्नि स्थापन कर दिया ना गतो ना 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 गए भी नहीं नमन भी नहीं किया तो प्रसाद दिया तो प्रसाद का तिरस्कार कर दिया इससे क्या हुआ बड़ा दुख मिला छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे लेकिन राजा का ऐसा अभिमान संभाल के भैया लगने वाले थे बच्चे को लकड़ी से क्या कहा अभिमान वश गए नहीं ना गतो ना ना बस उसके बाद प्रसाद का तिरस्कार इनको दुख प्रदान करता है बच्चे पुत्र से धन नष्ट हुआ धन धान्य धन धान्य पुत्र सब नष्ट हो गया तब जाकर के दुख मिला और जब दुख आए यहाँ भैया दुख बहुत अच्छी चीज है क्यों अच्छी दुख चीज है क्यों माता कुंता मांगती है विपदा संतु नाश तव क्या कहा जब विपत्ति आती है जब दुख आता है तब हमको भगवान की याद आती है और जब सुख होता है तो भुला जाते हैं इसलिए माता जी दुख मांगती है कि भैया हमको दुख प्रदान करिए और जब दुख होगा तो भगवान की याद आएगी जब भगवान की याद आएगी तब जीवन में सब प्राप्त हो जाएगा क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में यही सच्चा सुख है विनती ये हर पल पल में रहे ध्यान तुम्हारे सच्चा सुख केवल भगवान की शरण में है तो यहाँ पर भगवान की भक्ति करने लगे और सब कुछ प्राप्त किया। कहते हैं भैया सूर्य जी महाराज कि दरिद्रो लभते दरिद्र धनवान हो जाता है बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है जिसकी जो जो कामना है भगवान के आशीर्वाद से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं भैया यहाँ तो ठीक है यहाँ का काम भगवान बनाते हैं लेकिन जब शरीर छूटेगा तब भगवान का धाम मिलेगा भगवान का शरण मिलेगा। कैसे मिला पूछा ऋषियों ने तो बताया सुनिए ध्यान से दूसरे अध्याय ब्राह्मण देवता है ब्राह्मण देवता का नाम क्या है
में चलते कौन बनेगा करोड़पति। दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता का नाम है उनका शतानंदा है ना, ऐसे सुदामा ब्राह्मणो सुदामा जी बने हैं। सुदामा जी मत दुनिया जानती है क्या जानते हैं, और कुछ न जाने पर ये जानते हैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब जी का नहीं, दूसरे अध्याय में ब्राह्मण है, नाम है शतानंद, उनका एक मित्र है जो उनसे कथा भी सुन रहा है। क्या ना क्या करता है, उसकी वृत्ति क्या है, ये सवाल है 10,000 का। अब ऐसे जीत पता वो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा है ना, वो लकड़ी और लकड़ी का दूसरा मूल्य भी उसे मिला था। वो कौन बना, हाँ केवट जी बने, केवट जी जाना था क्या करा था, हाँ मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे गो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे गो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे, ओ गंगा मैया धीरे, ओ गंगा मैया धीरे। यही है केवट जी, क्या किया भैया रतन राम जी का चरणामृत पान करके अपने साथ पूरे परिवार को भाव सागर से बाहर कर। और कौन था तीसरे अध्याय में, राजा बहुत दुखी थे, क्या दुखी थे, संतान नहीं है, बेटा नहीं है, संतान नहीं है, नदी के किनारे कथा करते, क्या नाम है उनका, तुंगध्वज। आपके सामने चार ऑप्शन, तुंगध्वज ए, बी उनका मुख, सी है शतानंद और डी है साधा। गलत जवाब, आपके पास और ऑप्शन, आप फॉलो फ्रेंड कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं किसी साधु भी गलत जवाब है, वो उल्का मुख नाम के राजा है। उल्का मुख नाम के राजा क्या बने हैं, देखो दोनों गलत जवाब, अब 50-50 होता तो फिर जीतते हैं। उल्का मुखो महाराजो नृपो दशरथो भवता, महाराज से दशरथ जी बने हैं। और क्या किया, कहा जीवन भर राम राम किया है ना, बहुत प्रेम किया राघव से, इतना प्रेम किया है कि जब वो मांगने गए उनको, कौन मांगने गया था, अच्छा राम कथा सुने कोई, कहो कौन मांगने गया है दशरथ जी से, राम मांगने कौन गया था, क्या बात है, अब जीत गए धन्यवाद, विश्वामित्र ले गए थे। और तब क्या कहा है उन्होंने, राघव को मैं न दूंगा, हे राघव को मैं न दूंगा, हे मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान कर। इतना प्रेम था साहब, जब शरीर छोड़ा तो भी क्या याद आया, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, छह बार राम का उच्चारण तन को त्याग दिया, सीधा भगवान के साथ गया। कहते अंत में भगवान का नाम निकल गया तो जीव बड़ा पुण्यात्मा है नहीं, तो जन्म जन्म मुनि जतन करा इसलिए एक उपाय अजामिल जी को उपाय बताया था, क्या बताया था ऋषियों ने, भैया बेटे का नाम है भगवान राम, क्या रखोगे, नारायण रखोगे।
तब क्या कहा, हे नारायण मुझे बचा लो, हो गए भव से पार प्रभु जी री झेला, ओ प्रभु जी री झेला निधा बिना कवन गुणवते, प्रभु जी री झेला निधा बिना कवन गुणवते, हाँ कवन गुणवते जी कवन गुणवते, हाँ कवन गुणवते जी कवन गुणवते, प्रभु जी री झेला निधा बिना कवन गुणवते, प्रभु जी री झेला निधा बिना कवन। भगवान किस भाव से लीजिए, केवल भाव शुद्ध है परमात्मा रीत जाते हैं। ये किसकी है कथा है, महाराज के दशरथ जी भगवान के सामने। और कौन एक मित्र था साधु नाम का बनिया, है ना, वो क्या हुआ था, मुरध्वज नाम का राजा बना और देहार धर्म प्रतिष्ठित हुआ। मुरध्वज की कथा मैं व्हाट्सएप में शेयर करूंगा, आप सब पढ़ लीजिएगा, मुरध्वज की लंबी कथा है। पुत्र को भी चीर करके भगवान को अर्पित किया और भगवान के धाम को गया, संविधान में डाला था, समय मेरे तो पढ़ लेना। और पांचवें अध्याय की छोटी सी कथा है, क्या राजा है, क्या नाम है, तुंगध्वज, और क्या बने हैं, मनु शत्रु बने हैं, और क्या किया इन्होंने, सर्वान भागवत आम कर, सब भागवत कर्म किया, धर्म कर्म किया और भगवान के धाम को गए। और क्या है, छोटे छोटे बाल बाल भूतवा गोपाश से सर्वे ब्रजमंडल वा, ब्रजमंडल में निवास करने वाले बाल बाल बने, और क्या किया, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटो तो मेरो मदन रूपा, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटो तो मेरो। ये मदन गोपाल के साथ रहने वाले बाल बाल और गौ माता की सेवा करने और गौलोक धाम हो गए। प्रेम के लिए गौ माता की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, ओम सत्यनारायणाय नमो नमः। चलिए दक्ष भैया अग्नि स्थापन करिए, कपूर वगैरह डाल करके प्रज्वलित कर दीजिए, हाँ सामान दे दो है। और आप लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे, गोपाल मुरलिया वारे ओ नंदलाल मुरलिया वारे, राधा जीव नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे, राधा जीव नीलमणि देवा आजादया देहा कहा कथा भेज।
धन्यवाद। जय जय श्री राधे प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम अग्निदूतम् बुरोदधे हव्यवाह मुपब्रुवे देवा।